Greetings, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 25 नवंबर शनिवार के लिए है ये रीडिंग और हमने लिए हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लव मैसेजेस हैं, फिर है टैरो भी और थर्ड ये है ओरेकल। सो देखते हैं भाई हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड के थ्रू कनेक्शन एंड हियर वी गो। जनरल रीडिंग है, ध्यान में रखिए कुछ कार्ड रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ कार्ड्स नहीं भी। ठीक है, सो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। और ये आ गए सारे कार्ड्स। ठीक है, चलो लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला ही कार्ड हमें मिला है वो क्या है, एंड ये है भाई किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैज। ठीक है, तो एक कार्ड हमें बेसिकली मिला है, क्या है इसका मतलब वो भी जानते हैं। देखो भाई, किंग ऑफ वॉन्ड्स प्रथम स्थान पे आ गया है, तो हाँ ये पर्सन अभी कहते हैं ना कि भी प्यार के फूल बरसाना, बिल्कुल वही बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अगर कोई नाराज़ है, आप अगर नाराज़ हो तो डेफिनेटली आपकी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि जो उनका रोमांटिक एक बिहेवियर है या फिर ये एक ऐसा इंसान जो आपको शिद्दत से चाहता है, वो अगर आपने काफ़ी समय से मिस किया था, इनकी अंदर की ये फीलिंग अगर आपको नहीं दिख रही थी, तो शायद आज एक कोशिश कर सकते हैं कि दोबारा से आपको वो इंसान देखने को मिले। हो सकता है अपने जॉब के कारण, स्ट्रेस के कारण या फिर बहुत चीज़ें के कारण ये पर्सन वैसे बिहेव नहीं कर पा रहे थे जैसे कि शायद आपने सोचा था। ठीक है, बट अब फिलहाल ये आई थिंक मेरे हिसाब से लौट के आ रहे हैं और आपके सामने खुद को प्रस्तुत करना चाहते हैं दोबारा से, ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है और अपने आप में उतने चेंजेस भी कर सकता है जो कि आप चाहते हो। ठीक है, वॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे पावर भी आती है, पैशन भी आता है, तो ये एक्चुअली उस चीज़ को भूले रही हैं। बट जैसे कि हम कहते हैं ना, कई बार मान लो अगर सेहत ख़राब है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो इंसान वो सब नहीं कर पाता जो उसने कभी सोचा हुआ था। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कम्युनिकेशन। तो आज ये कम्युनिकेशन करने के बेहद मूड में है। ठीक है, शुरुआत तो ये कर सकता है और शायद कुछ ऐसे पैतरे लड़ा सकता है कि आपको बात करनी ही होगी या फिर आपको इनका जवाब देना ही होगा। अगर आप काफ़ी समय से या कुछ दिनों से इनसे बात नहीं कर रहे, तो इनका पैतरा शायद आपके ऊपर काम कर ले। ये चाहता है कि भाई आपके साथ एक बार वो बात करना शुरू कर दे तो ये ख़त्म ना हो और आप इनकी बातचीत सुने। ये दिल से चाहते हैं कि आप दोनों की बातचीत जो है वो ऐसा मोड़ ले जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाए कि ये आपको कितना चाहते हैं या फिर इनके दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत है। ठीक है, जिस दिन आप ये समझ जाएंगे तो फिर छोटी मोटी जो बातें या तकरार जो होती है आप उसे डायरेक्टली भूल जाएंगे। बिकॉज आप कोई भी रिश्ता लो, उसमें आपको तकरार दिखती है। ठीक है, शायद किसी में थोड़ी किसी में बड़ी रहती है, बट होती तो ज़रूर है। तीसरा कार्ड है फाइव ऑफ वांड्स एरीज लियो सैज। देखो भाई, यहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहता कि आज कोई भी मुसीबत आए या फिर आज आप किसी कारण रुके। तो अगर सुबह सुबह से ही शायद आप कहीं बाहर निकलने वाले या फिर अगर प्लान बन रहा है कहीं पर बाहर जाने का, घूमने का, मिलने का, तो आई थिंक ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये अवॉइड करने को बोल सकते हैं। शायद इनमें से कुछ लोग आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, मे बी जो आपको कह सकते हैं कि भाई इनको ना मिलो, या फिर कहीं ना कहीं पे व्हाट अबाउट योर वर्क एंड लाइक वाइज, या फिर अगर आप छुट्टी लेने वाले हो। ठीक है, सो लाइक वाइज चीज़ें यहाँ पर हमें दिखती है। थर्ड एक कार्ड है द एम्परर एरीज। ठीक है, तो आई थिंक ये पर्सन आज टोटली, हम कहते हैं ना कि भाई जैसे कि आज का बिल मैं भरूंगा, फिर जो बातें होती कि भाई आज मैं सब तय करूंगा चीज़ें कैसी होंगी, तो यहाँ पे हमें इनका वे आउट दिख रहा है। तो जो उन्होंने प्लान आउट किया है सैटरडे के लिए हो, संडे के लिए हो, या फिर जो भी दिमाग में चल रहा है वो आपके सामने रखना चाहते हैं कि भाई आज मेरे मन में ये बातें हैं, मैंने इसके लिए कोशिश की है, सारा मैंने प्लान किया है, अब बस हम उस प्लान को वर्कआउट करना चाहते हैं, दैट्स इट, और वो सब हमें मिल जाएगा। द सन की एनर्जी हमें यहाँ पे दिख रही है, तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी। ठीक है, बर्थ चार्ट से अगर कनेक्टेड हो तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आप अपना सन साइन भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये व्यक्ति आपको बता रहा है कि काफ़ी दिनों बाद जब आप मिलोगे या फिर ऐसे
बाहर शॉपिंग कर रहे हो या फिर कहीं पे घूम रहे हो तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी स्ट्रेस मोमेंट्स थे या फिर जो भी स्ट्रेस था वो ज़िंदगी से जा रहा है, और ऐसे मोमेंट्स बार बार लगातार मिलते रहे, यही वो चाहते हैं। बट जैसे कि आपको पता है, कई बार हमारे काम के कारण, काम के सिलसिले के कारण हमें स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। बॉस कुछ कहते हैं, सेल्स फिगर आउट नहीं होती, तो फिर स्ट्रेस बढ़ता है। तो ऐसे में ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि आपका साथ इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये स्ट्रेस ज़िंदगी से भगाने के लिए। ठीक है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये एक्चुअली उन चीज़ों को याद करते हैं कि कैसे उन्होंने वो दिन बिताए हैं या फिर वो मोमेंट्स जिए हैं जहाँ पे बॉस ने सबके सामने इनको डांटा है या फिर सेल्स फिगर कम आ गए हैं तो बहुत कुछ सुनना पड़ा है, जो प्लान उन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ, या फिर कंज्यूमर कम आ गए, क्लाइंट कम आ गए, तो ऐसे में जो नुकसान उठाना पड़ता है या फिर जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखो, देखने से तो लगता है कि भाई कोई व्यक्ति का खुद का बिजनेस है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, बट एग्जैक्टली वो कितना स्ट्रेस में है, बिकॉज सैलरी शायद किसी की 80,000, 90,000, 1-1.5 लाख भी हो सकती है, बट काम भी उतना ही होता है ना। जैसे कि भाई कहा जाता है कि एक व्यक्ति जिसका काम है सिर्फ एक साइन करना और उसको मिलते हैं 3-4 करोड़ रुपए, बट उस साइन के पीछे उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती कि अगर गलत साइन कर दी तो कंपनी भी बुरा आ जाएगा, तो सब मेहनत करनी पड़ती। तो इसलिए सिर्फ वो कुर्सी पे बैठता है, इतना पगार है, इतनी सैलरी है, ऐसा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक ये होता है कि भाई ये व्यक्ति जो स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, के गेन, फायर साइन, एनर्जी। भाई आपको बता रहा है कि इसके लिए आपका साथ कारगर साबित होता है और हमेशा से ये चाहते हैं कि आप इनका साथ साथी बना रहें, बिकॉज देखो अगर आप इनको साथ देते हो ना, अगर आप इनके साथी बनते हो तो इनको बेहद खुशी होगी, बिकॉज आपके साथ ये अपनी ज़िंदगी जीते हैं या फिर वो मोमेंट्स एन्जॉय करते हैं जो कभी इनकी ज़िंदगी से मिसिंग थे। ठीक है, जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला, तो ये फाइनल कार्ड है जो कि एस ऑफ कप्स। ये एक्चुअली एक नया रिश्ता या फिर रिश्ते की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं कि जो भी हुआ चलो भूल जाते हैं, लेट स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, नई बिगिनिंग के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले लव मैसेजेस हमें क्या आते हैं। पहला जो मैसेज है वो है, यू नेवर मेक फन ऑफ मी इवन व्हेन आई लुक लाइक अ क्लाउन। यस, तो आप समझ सकते हो कि बॉस किस तरह से शायद इनसे बातें करते होंगे या फिर कलीग्स किस तरह से टॉन्ट मारते होंगे। इसको बहुत अच्छा लगता है कि आप इनको कभी भी कुछ नहीं कहते, चाहे इनका अपीयरेंस मतलब ड्रेस उसने कैसे पहने हो, मेकअप नहीं किया हो, बाल बिखरे हो, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये व्यक्ति से प्यार है, है ना। तो ये बात इनको बहुत ही अच्छी लगती है। सेकेंड, अगर लव मैसेज ले हम, आई कैन टेल यू एनीथिंग एंड यू वोंट बी शॉक्ड। आपसे वो जी भर के बातें कर सकते हैं, दुनिया भर की बातें, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे वेदर रिपोर्ट हो, चाहे सोशल हो, चाहे आपको उससे फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आप ये बातें सुनते हो जिसके कारण इनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप अटेंशन देते हो इनको। आई फील इट इन द वॉर्म्थ ऑफ योर टच कॉज इट टचेस माई हार्ट एंड सोल। जब भी आप इनका साथ देते हो, इनका हाथ थामते हो, उनको कहते हैं कि भाई आई एम विथ यू, तो एक्चुअली इन बातों को फील करते हैं। फिर चाहे मे बी आप अपने पूरे दिल से कह रहे हो नहीं कह रहे हो, बट इनको तो लगता है कि भाई हाँ भाई आप पूरे दिल से ही कह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, लव इज वॉट यू मीन टू मी एंड यू मीन एवरीथिंग। इनके लिए आप मतलब प्यार हो और आपको ये प्यार भरी निगाहों से ही देख रहे हैं। ठीक है, और अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या लव मैसेजेस दिख रहे हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड लेट्स सी। देखो भाई, जो पहला कार्ड आ गया है वो है डिसीजंस, परफेक्ट एक्शंस एंड आर शोन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर आ सकता है, लाइक 9 ऑफ सॉर्ड्स हो गया, 9 ऑफ वॉन्ड्स हो गया, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पे आ सकता है। भाई ये पर्सन कह रहा है कि कभी कभी चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बट हमें कुछ डिसीजंस भी लेने होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि भाई ये पर्सन शायद बिजी था अपने काम में, तो अभी उसको एक जिम्मेदारी के साथ एक डिसीजन लेना पड़ा है कि भाई नहीं, मैं आपके साथ समय बिता के ही रहूँगा, फिर चलो कहीं पर चलते हैं, घूमते हैं, फिर चाहे सर के ऊपर कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, वो अपना थोड़ा जो स्ट्रेस है वो रिलैक्स करना चाहते हैं ताकि बाद में आने वाले स्ट्रेस के लिए तैयार रहें। तो अगर अभी वो कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है एडवेंचर, आई विल राइड द टाइड, जो मैंने कहा कि आपके साथ एक एडवेंचरस जर्नी करना चाहते हैं, मतलब कहीं पे घूमना हो, यहाँ वहाँ जाना हो, चाहे ड्राइविंग करनी हो, ये उनके लिए एडवेंचर से कम नहीं है, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे ये नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से जूझ रहे हैं, और आपके साथ होना मतलब फन, एडवेंचर, यही इनका कहना है। ठीक है, अगला जो कार्ड है वो है ब्यूटी,
आई एम अ स्पार्क ऑफ डिविनिटी, या आप में एक्चुअली आप डिविनिटी देखते हैं या फिर डिवाइन देखते हैं, कि आपसे जब वो कनेक्ट होते हैं तो दिल से दुआएं निकलती हैं जो उनको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है बैलेंस, माई नीड्स विल बी मेट। यस, जब आपको मिलते हैं तो उनका शरीर हो यू नो उनका जो स्ट्रेस हो बैलेंस हो जाता है। शरीर जो थक गया था कभी मंडे टू फ्राइडे बहुत काम किया, अब वो आपस से रिचार्ज होता है ना। तो ऐसी एनर्जी सिर्फ आप ही के पास है जो वो कह रहे हैं। एंड फाइनल कार्ड है ट्रू नेचर, आई नो द इटर्नल। आपके साथ जब वो जुड़ते हैं तो इनका जो ट्रू नेचर है वो सामने आता है। शायद हो सकता है कि भाई अपने ऑफिस में वो एक फेक आइडेंटिटी जी रहे हो, लाइक यू नो ड्रेसेस ऐसे पहनना जो कि कहा गया है, बट उनको शायद वो अच्छा नहीं लगता हो, बट क्योंकि मजबूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आपके साथ होना मतलब कि भाई बी योर सेल्फ, लाइक यू नो जैसे कि एक वकील है जो ड्रेस पहनता है, लेकिन जब आपके साथ आता है यू नो आप उनके फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, लवर हो, तो आपके सामने वो जैसे चाहे वैसे ड्रेस पहन सकते हैं कि बींग कम्फर्टेबल। ये रीडिंग हमें यहाँ पे मिलती है, आई होप इट विल रेजोनेट विथ यू।